हेलो गाइस, तो ये आपका अब तक का सबसे बेस्ट वन लाइनर रिवीजन वीडियो होने वाला है। सबसे पहले इसमें हम 30 करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जिसमें से 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपकी यस्टरडे क्लास के होंगे, यानी कि कल के होंगे, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो दिसंबर से अभी तक कहीं से भी लिए जा सकते हैं। इनके अलावा 10 स्टैटिक क्वेश्चन होंगे और 10 डेज वाले क्वेश्चन भी हम रिवीजन करेंगे, ताकि धीरे धीरे साथ में ये भी याद होते रहे। हाँ देखो, अगर कोई नए स्टूडेंट इसे देख रहे हैं ना पहली बार, तो आप ट्राई करें पहले इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की, वीडियो को रोक करके आप इनको सॉल्व करें और देखें आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था, किसे भारतीय टेबल टेनिस कोच के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि भारतीय टेबल टेनिस के कोच कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा डेजन पापिक, और ये है किस कंट्री के, तो ये कनाडा के हैं। अगला है, किसे आईसीसी समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है, कौन बन गए हैं आईसीसी कमेटी के प्रमुख। आंसर होगा एहसान मणि, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं एहसान मणि। अगला है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की अभी सूची जारी हुई है और उसमें शामिल होने वाली टॉप भारतीय कंपनी कौन सी है। तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। और सेकंड नंबर पे है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो पहले फर्स्ट नंबर पे थी। याद रखना, भारतीय में बात कर रहे हैं, इंडियन कंपनीज की बात कर रहे हैं। टॉप पे रिलायंस है, सेकंड नंबर पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो रिलायंस का स्थान आता है 106 पे और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का स्थान आता है 117 पे। टोटल इस सूची में 7 भारतीय कंपनियां हैं, टॉप 100 में एक भी नहीं है। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे कौन है, टॉप पे कौन है, वॉलमार्ट है। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने प्लास्टिक जैसी जूट सामग्री विकसित की है। तो आंसर होगा बांग्लादेश ने, सबसे ज्यादा जूट भी आपका बांग्लादेश में पाया जाता है। अगला है, किसने बंगाल ओपन स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब जीता है, पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल जीता है, अभय सिंह ने। अच्छा, वुमेन सिंगल की बात करेंगे तो आंसर होगा तन्वी खन्ना। अगला है, कौन सा देश पहली बार इंड स्पेस एक्सरसाइज का संचालन करेगा। तो आंसर होगा भारत, तो रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं के साथ मिलकर के ही आयोजित करेगा। अगला है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अगला प्रश्न है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वैश्विक यानी कि ग्लोबली रुपए कार्ड को लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया। तो आंसर होगा JCB। JCB मतलब जापान क्रेडिट ब्यूरो, जापान की एक कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह बनाती है, जैसे आपका मास्टर कार्ड नहीं है वैसे ही। अगला है, किस राज्य के पर्यटन विकास निगम ने राज्य भर में, पूरे राज्य में प्लास्टिक की बोतलें हो गई, प्लास्टिक के कप हो गए, प्लास्टिक की स्ट्रॉज हो गई, मतलब जो भी प्लास्टिक थे ना उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आंसर होगा गोवा ने, 2022 तक ये प्लास्टिक मुक्त होना चाह रहा है, इसका लक्ष्य है गोवा का। अगला है, भारत सरकार ने 2022 तक कितने मेगावाट की सौर परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा है। तो आंसर होगा 40,000 मेगावाट। अच्छा, सबसे बड़ा अभी सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू हुआ है, तो अबू धाबी में। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित की गई, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये हुई वेनेजुएला में। अच्छा, वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, काराकास। अगला है, RBI मौद्रिक नीति पोर्टफोलियो यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी पोर्टफोलियो के कार्यवहन के लिए किसे नामित किया गया है। तो आंसर होगा BP कानून को, डेप्यूटी गवर्नर है। अगला है, ली पेंग का निधन हो गया, ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो आंसर होगा चाइना। बढ़ते हैं आगे। तो अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न हमारा है, पर्यावरण मंत्री के अनुसार पिछले एक साल में वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो फिर आंसर होगा 1%। अगला है, कितने स्टार्टअप्स को भारत का पहला ड्रोन सर्टिफिकेट मिला है। तो आंसर होगा 2 स्टार्टअप्स को, ये बेंगलोर के हैं, एक का नाम है स्काई लार्क ड्रोन्स और एक का नाम है थ्रॉटल एरोस्पेस। अगला है, नीति आयोग के अनुसार किस वर्ष तक टू व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। तो 2025 तक, और थ्री व्हीलर्स को 2023 तक। अगला है, किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव आयोजित किया गया। तो आंसर होगा बांग्लादेश। अगला है, रूस ने यानी कि रशिया ने अपनी एयरलाइंस का किस देश के ऊपर से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो आंसर होगा जॉर्जिया। अगला है, हीरो मोटरकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे। तो थेरी मीना, ये कोलंबिया के फुटबॉल प्लेयर है। अगला है, मत्स्य विभाग के अनुसार भारत मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है। तो आंसर होगा दूसरे स्थान पर है।
अगला है IAF इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट हमले को क्या कोडनेम दिया था। तो पुलवामा अटैक के बाद जो हमला किया था ना हमने, उसकी बात हो रही है, तो उसका नाम दिया था ऑपरेशन बंदर। अगला है किस देश में पहले लोह अयस्क यानी कि आयरन ओर्स खदान खोजी गई है, तो आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया, तो 23 जून को मनाया था। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहाँ पे अपना नया हेडक्वार्टर खोला है, तो आंसर होगा लाउसेन स्विट्जरलैंड में। अच्छा, पहले भी इसका हेडक्वार्टर यहीं पे था लाउसेन स्विट्जरलैंड में, लेकिन अभी इसने नई बिल्डिंग और बड़ी बिल्डिंग खोल ली है यहीं पे। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत पे जो प्रतिबंध लगा रखे थे ना वो हटा दिए हैं। कौन से प्रतिबंध याद है आपको? याद हो तो आपको जब पुलवामा अटैक हुआ था तो फिर भारत ने क्या करा था, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हमारे आने से मना कर दिया था। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा था कि भैया जो आपकी राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो खेलों के बीच में नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो खेलों के बीच में नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा था कि अब यहाँ पे कोई भी हम खेल आयोजन नहीं करेंगे, प्रतिबंध लगा दिए थे मतलब, तो अब उसको हटा दिया है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। अच्छा, 2020 के ओलंपिक कहाँ पे होंगे, तो जापान में होंगे, और 2024 के पेरिस में होंगे। अच्छा, यूँ बता दो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बक है। अगला है 22वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उत्कृष्ट कलात्मक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म वेरियल मरंगल, मलयालम फिल्म है ये, अंग्रेजी में बोलेंगे तो ट्रीज अंडर द सन। अगला है नई दिल्ली कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है, मीनाक्षी लेखी है, बीजेपी सांसद हैं, कृष्ण कुमार के साथ मिलकर के लिखी है उन्होंने ये। अगला है फ्रेंच ग्रैंड प्री फॉर्मूला वन रेस किसने जीती, लुइस हैमिल्टन ने ये जीती है, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अगला है किस बैंक ने ट्रैफिक पाठशाला अभियान शुरू किया, तो HDFC बैंक ने, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में। अच्छा, ट्रैफिक से याद आया, ट्रैफिक इंडेक्स 2018 अभी जारी हुआ था, उसमें टॉप पे कौन था, मुंबई। क्या मतलब हो गया इसका टॉप पे आने का, मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ भड़क का कहाँ पर है, मुंबई में है, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे कंजेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। अगला है लेसन लाइफ टॉट मी अनोविंगली किस की ऑटोबायोग्राफी है, तो आंसर होगा अनुपम खेर की। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ गेम चेंजर किसकी ऑटोबायोग्राफी है। अगला है हाले ओपन 2019 किसने जीता, तो ये जीता है रॉजर फेडर ने। अच्छा, रॉजर फेडर अभी हार गए थे नोवाक जोकोविच से, जो टॉप प्लेयर हैं वर्ल्ड के अभी टेनिस के, किसमें, विंबलडन ओपन जो अभी हुआ था। अगला है केंद्र ने कितने कृषि केंद्र स्थापित किए हैं, तो 713। अगला है IDBI बैंक ने किसके साथ बैंक का इंश्योरेंस के लिए समझौता किया है, तो टाटा AIG के साथ। अगला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 35% ग्रेफाइट के भंडार कहाँ पे बताए हैं, कि कहाँ पर हैं भारत में 35% ग्रेफाइट के भंडार, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कोलकाता में है, बताया था मैंने आपको। बढ़ते हैं आगे, तो अब हम स्टैटिक क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और ये आपका एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आपका हेडक्वार्टर भारत में है, आंसर होगा गुरुग्राम में। अगला है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो रांची झारखंड में है। और ये वाला प्रश्न एग्जैक्ट आपका IBPS PU में एक बार पूछा गया था, कौन से सन में है, ये सन मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन आपको ये एग्जाम में पूछा गया था। अगला है कैपिटल ऑफ सूडान, सूडान की कैपिटल क्या है, खार्तूम है। अगला है प्रसिद्ध विजेता सिकंदर कहाँ का शासक था, तो मैसेडोनिया का। अगला है चाणक्य किस का प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला है अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म अपनाया था। एलोरा के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रकूट के द्वारा। अगला है बंगाल का प्राचीन नाम आपको बताना है, तो गौड था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, तो अहमदाबाद से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी झील बाकड़ा नांगल परियोजना से जुड़ी हुई है, तो इन ऑप्शन में आप देखोगे तो एक ही झील है, गुरु गोविंद सागर। बढ़ते हैं आगे, तो अब इम्पॉर्टेंट डेज में हम लोग बात करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया, तो 11 मई को मनाया। अगला है इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया, तो 12 मई को मनाया था। अगला है इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया था, तो मई की 15 तारीख को। अगला है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया था, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, तो वो भी अपन ने 16 मई को ही मनाया था। और सिक्किम का स्थापना दिवस बोलेंगे ना, तब भी 16 मई आंसर करना। अगला है वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया था।
अगला है वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया, तो 4 फरवरी को मनाया था, उसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। अगला है वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया था, तो 13 फरवरी को। अगला है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया था अपन ने, सी वी रमन, जानते हो ना रमन इफेक्ट की खोज की थी उन्होंने इस दिन 1928 को, और 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर डे मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को अपन ने मनाया। तो ये था हमारा आज का रिवीजन। अब मैं आपको हमेशा की तरह 40 क्वेश्चन होमवर्क के दूंगा, आराम से उसको वीडियो को पॉज करिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, और नीचे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर मिल जाएंगे। जहां पे भी आप अटकते हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स से आंसर देख करके उसे याद भी कर लेना, क्योंकि हम एक बार फिर जो आपको आज होमवर्क में मिल रहे हैं इनका रिवीजन करेंगे। तो आप कोशिश हमेशा ये करा करो कि जो भी आप क्वेश्चन पे अटकते हो या जो क्वेश्चन आपको नहीं आता या जिसमें आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो आप कोशिश ये रहे आपकी सबसे पहले कि उस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आप कल फिर से इन क्वेश्चन को फेस करोगे, तो ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको फिर से एक बार मौका मिल रहा है इन क्वेश्चन को रिपीट करने का। तो आप कोशिश करो ना उन आंसर का मेरे से पहले आंसर दे पाओ, अगर दे पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आप रूटीन में लेकर के आओ, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज मुझे भी आप सपोर्ट कर दिया करें। जो भी आपका व्हाट्सएप हो गया, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप हो गया, वहां पे वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करें, इससे मुझे भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये रहे आपके होमवर्क के 40 क्वेश्चन में से पहले 10 प्रश्न, ये रहे अगले 10 प्रश्न। आप इसके आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर सॉल्व करना, अगर ब्लर आ रही है तो क्वालिटी बढ़ा लेना। ये रहे अगले 10 प्रश्न और ये रहे अगले 10 प्रश्न। देखो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेक जी के ट्रिक्स।